बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया आप साथियों ने आज यहाँ पे ज़हमत की है। मैं अपने पार्टी चेयरमैन सबका वज़ीर आज़म और आने वाले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से और अपने सेक्रेटरी जनरल सदुमर की जानिब से बहसियत एडिशनल जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने वकला साथियों के साथ हम लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं और हमने आज एक पटिशन दायर की है जिसमें तीन बुनियादी चीज़ें हैं। सबसे पहले हमें बेतहाशा कंप्लेंट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमारे वोटर्स से, हमारे बाकी साथियों से आई हैं कि ब्लॉक कोड्स जो हैं वो इलेक्टोरल लिस्टों में, वोटर्स लिस्टों में, वो किसी के इजाज़त के बग़ैर वो चेंज हुई हैं। दूसरी चीज़, आपके वोटर्स लिस्टों में 2018 में जहाँ पे लोगों ने अपने टेम्पररी एड्रेस पे वोट दिया था वो उनकी इजाज़त के बग़ैर वो चेंज हुए हैं। लोगों ने इलेक्शन कमीशन में चेक कराया, उनके दूर दराज इलाकों में उनके वोट चले गए थे और परमानेंट और आपके टेम्पररी एड्रेस पे उनकी इजाज़त के बग़ैर ये चेंजेस आई हैं। और तीसरी चीज़ ये बड़ी अहम है कि कई हमारे पास ऐसे प्रूफ और शवाहद आए हैं, लोगों ने खुद कहा है कि वो जिंदा हैं पर उनको मुर्दा डिक्लेयर किया गया है। तो ये तीन चीज़ें लेके, ये शवायद और ये प्रूफ लेके हम लोग आज आए और हमने जमा कराया और हमारी यही इस्तदा है इलेक्शन कमीशन से और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से कि इस पे नज़रसानी करें। ये एक साफ शफाफ फ्री और फेयर इलेक्शन के लिए एक सबसे अहम चीज़ है कि आपके वोटर्स को सहूलत मिले कि वो जहाँ पे वो चाहें, उनकी वोट अंदराज है, वो जहाँ वहीं पे जाके अपना वोट कास्ट कर सकें और अपना हक जो आईन में उनको दिया गया है वो पूरी तरह इस्तेमाल कर सकें, अपनी पार्टी को दे सकें। बहुत शुक्रिया। हमें अभी हमने दायर किया है, अभी उनका अपना प्रोसेस होगा। हमने इसके साथ ये भी किया कि हमने सर्वेज अपने कराए, हमारे पास लोगों ने शवाहद जमा कराए सॉलिड प्रूफ के साथ, मुस्बत हमारे पास शवाहद हैं जिसके साथ हमने इलेक्शन कमीशन में ये चीज़ दायर कराई है। उन लोगों के आईडी कार्ड नंबर, उन एप्लीकेंट्स के हमारे पास बहसियत पार्टी हम लोग कर रहे हैं, उन लोगों के नाम, उनका पता, उनका आर्जी पता, उनका मुस्तकबिल पता, सारी चीज़ें हमने लिखी हैं और दी हैं जहाँ पर उन्होंने पिछली बार इलेक्शन में वोट डाला था और इस बार कहाँ पे उनका वोट दिया है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।